गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं तो मैं नरेंद्र पर आपको बहुत बहुत बार स्वागत करता हूँ। आज एक हम एक न्यू टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टार्ट करने करेंगे, जिसको स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन क्यों के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस मोटिवेशन क्यों आपके लिए क्या एक नया कि सपने देखने वालों के लिए रातें छोटी पड़ जाती है, जबकि मेहनत करने वालों के लिए क्या होता है दिन भी छोटे पड़ जाते हैं। इसी मोटिवेशन क्यों के साथ क्लास को आगे और कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। एक शब्द होता है कंपाउंड और इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज। ये तो है कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। इसके अंदर एक सक्सेसिव वर्ड होता है जिसका इंडिया क्या होता है? कर्मा। इस शब्द का इंजीनियर अर्थ होता है क्रमागत। इस शब्द के इसको दो भागों में होता है, क्या होता है दो भागों में होता है? एक तो होता है इंक्रीज, और एक शब्द क्या होता है? डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज का मतलब क्या होता है? क्रमागत वृद्धि होता है। जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट सॉरी सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है? क्रमागत ह्रास। इसका अर्थ क्या होता है? क्रमागत ह्रास होता है। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज कब का होता है? जब कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत लगता है, नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका इंडिया क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का? चक्रवर्ती क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। जबकि सक्सेसिव डिक्रीज यानी क्रमागत ह्रास, इसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव क्या होता है? डिस्काउंट होता है। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका अर्थ क्या होता है? क्रमागत बढ़ता। ये तो होता है एक शब्द होता है सक्सेसिव, जिसका हिंदी वर्ड क्या होता है? क्रमागत। इसको हम दो भागों में डिवाइडेशन करते हैं। ये तो होता है सक्सेसिव इंक्रीज होता है, जिसका होता है क्रमागत वृद्धि। क्रमागत वृद्धि कब होती है? जब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज लगता है, तब क्या होता है? अपने आप में एक वृद्धि होती है। जब ये सक्सेसिव डिक्रीज कब होता है? जब क्रमागत कमी होती है। सक्सेसिव मतलब क्रमागत और डिक्रीज का मतलब क्रमागत ह्रास यानी कमी। कोई वस्तु या कोई भी मूल्य या वस्तु में क्या होना? कमी होना है। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत कमी होना। उस किसके लिए होता है ये क्रमागत? जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है यानी बट्टे के लिए क्या होता है? होता है सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। क्या होता है? सक्सेसिव डिस्काउंट। इसके लिए यानी कि जब सक्सेसिव डिस्काउंट होता है कोई वस्तु की यानी कमी होती है, जब कोई वस्तु को सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई शर्ट है, उस पर कोई दुकानदार उसके पास कोई शर्ट है, उसने उस पर कितना अंकित कर रखा है? मार्क प्राइस यानी 100 रुपये अंकित कर रखा है। मार्क प्राइस इसको 100 रुपये। अब दुकानदार बोलता है कि उस शर्ट पर वह हमें सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। कितने कितने का देता है? कोई सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 30% मान लेते हैं। वो हमें 30% 30% 20% और 50% का क्या देता है? वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। उसके पास एक शर्ट है, उसका उसने 100 रुपये मूल्य अंकित कर रखा है, जबकि उस पर वो डिस्काउंट हमें कितने का दे रखा है? 30% 20% और 50% का हमें क्या दे रहा है? वो डिस्काउंट दे रहा है। जब वो 100 रुपये वाली को शर्ट है, जब उस पर वो 30% का हमें डिस्काउंट देगा, पहले कितना डिस्काउंट देगा? वो 30% का। जब उस पर कितना डिस्काउंट दें? 30% का वो डिस्काउंट दिया उसने, तो होता क्या? वो शर्ट उसके हमारे पास कितने में मिली? यानी पहले उसे 30% का डिस्काउंट दिया, तब उस शर्ट की प्राइस कितनी हुई? 70 रुपये। यही तो हुई।
जब उस 70 रुपये शर्ट थी, यानी क्रमागत बट्टा दे रहा है, पहले तो ये बट्टा देगा फिर ये, यानी पहले उसने 30% की छूट दी, फिर 20% और फिर कितने दी 50%। तो पहले उसने 100 रुपये अंकित कर रखे थे, उस पर उसने 30% उसे डिस्काउंट दे दिया, फिर उस शर्ट का प्राइस कितने थे 70 रुपये। फिर उसने क्या किया, उसने फिर से 20% की छूट दे दी, उस पर कितनी छूट दी 20% की। तो 70 का 20% कितना होता है 14 है, 70 का 20% कितना होता है 14 है, ये तो होता है। जब वो 14 का डिस्काउंट देगा, तो 14 यानी 14 डिस्काउंट दे दिया, तो वह शर्ट कितनी की रही, यानी 56 रुपये, ये तो रही। फिर कहता है दुकानदार कि यानी पहले उसने 30% का डिस्काउंट दिया, तब वो शर्ट प्राइस कितने की 70 की, फिर उसने 20% का दोबारा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, यानी बट्टा क्रमागत बट्टा दे दिया, तब उसकी वो शर्ट कितने की 56 की, यानी 20 का दे दिया, फिर कितने की 56 की। फिर वो लास्ट में कह रहा है कि उस नहीं उस शर्ट पर वो 50% का वो डिस्काउंट दे रहा है। जब वो 56 पर 50% का डिस्काउंट देगा, तो 56 का 50% कितना होता है 28, तब वह शर्ट कितने की बचेगी 28 की, ठीक है। अब उस शर्ट की प्राइस कितनी है 28, यही तो है। ये है सक्सेसिव डिस्काउंट देने के पश्चात वह शर्ट अब कितने रुपए की बची 28 रुपए की। सक्सेस मार्क प्राइस उन्होंने 100 रुपये अंकित कर रखा था, 100 रुपये अंकित कर रखा है, तब उससे 100 पर जो छूट दी जाती है वो हमेशा परसेंटेज में होती है। तो यानी कुल मिलाकर उसने कितने का डिस्काउंट दिया 28 का, या फिर आप मानोगे यानी 30 और 20 50 50 50 100 का डिस्काउंट दे दिया, वो शर्ट पर फुल डिस्काउंट दे दिया। ऐसा नहीं होता है, जब वो अलग अलग यानी सक्सेसिव डिस्काउंट में दिया जाता है, तो ये एक अलग 28% का टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ 100 रुपये, वो शर्ट पर 28% का डिस्काउंट हुआ। यानी 100 पर अंकित किया, तो 100 को 28 से पका काटेंगे तो कितना निकलेगा 28% निकलेगा। या फिर आप मान लीजिए 30 20 50, यानी 100 50 50 100, तो 100 का डिस्काउंट दिया, यानी वो शर्ट फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है तो इस प्रकार दिया जाता है। इसके लिए आगे और लेते हैं, मान लेते हैं एस सक्सेसिव डिस्काउंट को एस नोट डी से प्रतिष्ठित करते हैं, एस नोट डी से, ये तो करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट को एस नोट डी से प्रतिष्ठित करते हैं, यानी कोई भी वस्तु उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट मान लेते हैं एक्स परसेंट कोमा वाई परसेंट, यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बट्टा हमें दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, दो यानी क्रमागत बट्टा दिया जाता है। मान लेते हैं आपके पास कोई मार्क प्राइस 100 रुपये वाली कोई वस्तु है, क्या 100 रुपये मार्क प्राइस वाली कोई वस्तु है ये, ठीक है। पहले उस पर एक्स परसेंट का हमें कोई डिस्काउंट दिया जाता है, यानी 100, तो क्या करते हैं पहले यानी एक्स और वाई, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी एस और डी सी नोट करते हैं, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बट्टा, यानी कोई एक्स प्रतिशत कॉमा वाई प्रतिशत दो सक्सेसिव डिस्काउंट में दिया जा रहा है, ठीक है। या कोई वस्तु है उस पर उसने 100 रुपये अंकित कर रखे हैं, मार्क प्राइस उसकी कितनी अंकित की उसने 100 रुपये है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट हमें किस पर दिया जाता है मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो पहले वो क्या करता है, यानी उस पर एक्स परसेंट का हमें डिस्काउंट दे रहा है, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तब वो वस्तु कितने की हुई 100 माइनस एक्स, यही तो होगी। जब वो इस पर एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया, तो एक्स तो एक्स की वैल्यू क्या निकल रही है, एक्स निकल करके आई, तो वो वस्तु अब वो कितने की है 100 माइनस एक्स, यही तो है। फिर क्या कहता है, पहले वो एक्स परसेंट का डिस्काउंट देता है, जबकि फिर वो कितने का देता है वाई परसेंट का हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो फिर उसने कितने का डिस्काउंट दिया वाई परसेंट का डिस्काउंट दिया, यही तो दिया। y परसेंट का डिस्काउंट किस पर दे रहा हो 100 माइनस x पर, कितने का डिस्काउंट दे रहा है y परसेंट का, तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले 100 माइनस x का, इसलिए जब 100 माइनस x पर y परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है इनटू y अपॉन 100, तो y परसेंट के लिए क्या लाते हैं y बटे 100, तब क्या निकल के आया हमें y माइनस xy अपॉन 100, ये तो निकल के आया। पहले वो कितना था 100 था, उस पर उसने x परसेंट का डिस्काउंट दिया, तब वस्तु कितने की बनती 100 माइनस x की, 100 माइनस x की बनती। तो फिर वो क्या करता है, फिर उस 100 माइनस x पर वो क्या कर रहा है y परसेंट का हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट 100 माइनस x इनटू y परसेंट y बटे 100, तो इसको सॉल्यूशन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ y माइनस xy अपॉन 100, ये तो प्राप्त हुआ। कहां पर निकला ये यहां पे, तो 100 माइनस एक्स वाई, तो ये कहना क्या निकल गया हमारे पास y माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये तो निकल गया है। जब उसको y परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा, तब ये वस्तु कितने बचेगी 100, तो है ही है 100 माइनस एक्स, तो क्या
है, तो 100 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव माइनस, ये तो होगा फर्स्ट टर्म में क्या आएगा माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई अपॉन 100, ये आएगा। या फिर उसको क्या लिख सकते हैं हम 100 माइनस एक्स, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 100, तो ये तो 100 तो है ही है, फिर क्या करोगे 100 माइनस, इसको माइनस निशान को कॉमन ले लेंगे तब क्या होगा माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये तो निकल कर क्या रहा। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं 100 माइनस यानी 100 माइनस क्या करेंगे 100 माइनस माइनस का निशान यहाँ कॉमन ले लेंगे क्या आएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये क्या है सक्सेसिव क्रमागत बटा है। सक्सेसिव क्रमागत बटा हमेशा किस पर आता है 100 पर, जो मार्क प्राइस उसने अंकित कर रखी थी ये उसने 100, जबकि ये क्या निकल कर क्या आया जो उस पर सक्सेसिव डिस्काउंट निकला ये क्या था एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या था, जब सक्सेसिव डिस्काउंट हमें क्या दिया होगा सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स परसेंट कॉमा वाई परसेंट, तब इसके लिए इक्विवेलेंट यानी क्रमागत सॉरी समतुल्य बटा क्या होगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा समतुल्य बटा, तो समतुल्य बटा क्या निकल कर क्या आएगा हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट को ईडी से प्रतिस्थापित करते हैं तब इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा क्या निकल कर क्या आएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये क्या है हमारा समतुल्य बटा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये क्या हमारा समतुल्य बटा समतुल्य यानी जब भी हमें सक्सेसिव डिस्काउंट देख करके इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछ ले यानी समतुल्य बट सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बट्टा देख करके हमें क्या पूछ ले इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा पूछ ले, तो कैसे करेंगे जब सक्सेसिव डिस्काउंट क्या दिया एक्स परसेंट को वाई परसेंट, तो इसके लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हुआ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, यही तो होगा। आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं मान मान लीजिए आपने कोई मार्क प्राइस 100 रुपये वाले कोई वस्तु को खरीदा, ठीक है ये कोई 100 रुपये मार्क प्राइस वाले वो वस्तु है, उस पर उसने सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है यानी एस डी से प्रतिशत करते हैं, पहले क्या करते हैं एस सक्सेसिव डिस्काउंट वाली कोई वस्तु लेते हैं एस और डी, ठीक है उस सक्सेसिव डिस्काउंट उसने दे रखा है हमें कम क्रमागत बटा दिया है 10% 20% और 50% का हमें क्या दिया वो उसने क्रमागत बट्टे वाली कोई वस्तु ली है 20% 50%, ठीक है ये हमारा क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बट्टे वाली कोई छूट दी है हमें किस पर। मान लीजिए कोई सर कोई वस्तु ले लेते हैं उसने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा यानी मार्क उस वस्तु जो वस्तु खरीदी थी उस पर उसने 100 रुपये अंकित कर रखा उस दुकानदार ने, मार्क प्राइस क्या हुआ उसने उस वस्तु पर कितना अंकित कर रखा है 100 रुपये अंकित कर रखा है, पहले वो क्या करता है जब उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है तो उसमें हमेशा मार्क प्राइस पर सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, तो मार्क प्राइस उस पर 100 रुपये वाले वस्तु है उस पर पहले क्या करता है 10% का हमें सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बट्टा दे रखा है, जब 100 रुपये वाले वस्तु पर 10 का डिस्काउंट दे देगा तब वो वस्तु कितनी करी 90 रुपये, ये तो रही जब 100 रुपये अंकित कर रखा था उस पर उसने पहले सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का दिया 10% का तब वो वस्तु कितनी गिरी 90 की, फिर वह क्या करता है उस पर 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, ठीक है जब वो 20% का डिस्काउंट देगा यानी 90 का 20% कितना होता है 18, ठीक है 18 होता है, जब 90 रुपये वाली वस्तु थी उस पर उसने 18 का डिस्काउंट दे दिया तब वह वस्तु कितनी बची 78 यानी 70 है, यही तो बची जो 90 रुपये वाली वस्तु थी उसमें 10 यानी 18 90 का 20% कितना होता है 18 होता है, तो 18 का उसने डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु कितने की बची सॉरी कितने बची 72 की, ठीक है 72 की तो बची, जब 90 रुपये वाली वस्तु थी उसमें 20 का उसने कम डिस्काउंट दिया था वो वस्तु कितनी बची 72 की, फिर क्या करता है वो फिर लास्ट में क्या करता है वो सक्सेसिव डिस्काउंट कितने का देता है 50% का वो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, ठीक है जब वो सक्सेसिव डिस्काउंट 50% का देगा तब वो वस्तु कितनी की रहेगी 36 की, 72 का 50% कितना होता है 36 है, यही तो है तब हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट किस मार्क प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट मिलता है, तब टोटल डिस्काउंट है सक्सेसिव डिस्काउंट उसे कितने
यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट उसे कितना में मिला 36 का, यानी समतुल्य बटा कितना उसका 36%, यही तो है 36%, यही तो है। ये क्या है उसका समतुल्य बट्टा, जबकि ये में क्या दिया हुआ सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ था 10%, 20%, 50%, यही तो है। ये क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट, 10%, 20% और 30%, ये क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट है। देखो 10%, 20%, 50%, ये क्या वो दिया हुआ था सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ था, यानी समतुल्य बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है हमेशा क्रमागत बट्टा होता है। क्रमागत बटा इसके बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 36%, ये हमारा क्या है 36%, ये हमारा क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा। इसको क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ये क्या है हमारा ये सक्सेसिव डिस्काउंट इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा। ये तो प्राप्त हुआ तो समतुल्य बटा समतुल्य बटा कितना यानी जब भी हमें जो 100 भी मारे प्राइस वाली वस्तु पर पहले 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया यानी कर्मागत बटा फिर 20 का फिर 50 का तो लास्ट में हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी टोटल पर कितना डिस्काउंट मिला 36% का, यहां पर कितना है 36, तो 36 को जब मार्केट प्राइस कितने पर डिस्काउंट दिया गया 100 पर तो टोटल डिस्काउंट हमें कितने का मिला 36% का। ये क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बटा है, यही तो है समतुल्य बटा। आगे क्या करते हैं क्वेश्चन लेके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए मूलधन इज इक्वल टू 5000 रुपये, आपको दिया मान लीजिए मूलधन कितना दिया यानी पी की वैल्यू कितनी दी 5000 रुपये दी हुई है, ठीक है, और दर का रेट मान लेते हैं 10% यानी क्या है वार्षिकी दर क्या है 10% प्रतिशत है प्रतिवर्ष चक्रवर्ती व्याज 10% क्या है प्रतिवर्ष, ये आगे आपको दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज का किस रेट पर दिया हुआ आपको 10% चक्र 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर आपको दिया हुआ है उस समय इक्वल टू 2 साल यानी 2 साल, ठीक है, समय कितना दिया हुआ आपको 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। जब आप वो मूलधन 5000 रुपये मान लेते हैं और रेट आपको 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर दिया हुआ है, समय जबकि समय आपको कितना दिया हुआ है 2 वर्ष का दिया हुआ है यानी 2 साल का दिया हुआ है, आपको पूछे कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ब्याज चक्रवर्ती ब्याज बताइए, है ना सीआई चक्रवर्ती ब्याज को किससे नोट करते हैं सीआई से, जब मूलधन को किससे नोट करते हैं पी से, और रेट को यानी दर को किससे करते हैं आर से, और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। तो जब आपको ये दिया हो कि मूलधन 5000 रुपये है जबकि समय 2 वर्ष का है और कोई दर कितने पे है 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर आपको कोई प्राइस दी जाती है ना, तो उसका चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा ये आपको पूछा है। जब भी आपको दिया हुआ है यानी वर्ष कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, जब ये दिया हुआ और मूलधन दिया हो तो आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा हो तो आप किस प्रकार करोगे, मान लेते हैं पहले क्या करोगे यानी 10% की क्या करोगे फ्रैक्शन वैल्यू लिख लोगे, क्या करोगे 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, यही तो होती है। जब 10% चक्रवर्ती ब्याज पर दिया जाता है तो पहले क्या करोगे यानी ये तो 10% को क्या करते हैं 1/10 यानी पहले वर्ष में 1/10 जबकि दूसरे वर्ष में क्या होगा 1/10, रेट तो यही लगेगा यानी 10% 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है तो पहले वर्ष के लिए उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, तो सेकंड वर्ष भी क्या होगा 1/10 होगा। जब क्या करोगे 10 यानी पहले वर्ष जो वस्तु 10 रुपए की थी
और नेक्स्ट वर्ष कितने की हो जाएगी, 11 की, चक्रवर्ती ब्याज यानी वर्धित होगी ब्याज में वृद्धि, तो 11 की हो जाएगी। इसी प्रकार जो सेकंड वर्ष यानी दूसरे वर्ष क्या होता है, यानी दूसरे वर्ष क्या है, जो वस्तु 10 रुपए की थी वो भी 11 रुपए की हो जाएगी, चक्रवर्ती ब्याज ये तो होता है। फिर क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 100, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 121। ये क्या है प्रिंसिपल, इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये क्या होता है अमाउंट, ये क्या होता है इसके डिफरेंस को क्या बोलते हैं सीआई यानी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, मूलधन को किससे डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, जब मूलधन, तो यहां पर मूलधन कितना प्राप्त हुआ हमें 100 यूनिट, यानी दर के हिसाब से यानी 10% चक्रवर्ती ब्याज, प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज था, तो 10% के फ्रैक्शन में लो किस प्रकार का 1/10, सेकंड वर्ष में कितना 1/10, यानी 10 रुपए की वस्तु थी उस पर 1 रुपए का चक्रवर्ती ब्याज लग गया, तो यह वस्तु कितनी होगी 11 की। तो सेकंड वर्ष भी क्या हुआ, यानी पहले 10 की थी तो क्या होगी 11 की, यानी पहले का प्राइस पर ज्ञात किया 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त हुआ 100, जब ये 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त हुआ 121। ये क्या हुआ अमाउंट होता है, जब ये क्या होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, और मूलधन और अमाउंट के डिफरेंस को क्या होते हैं चक्रवर्ती ब्याज, यानी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई से डिनोट करते हैं। जब ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूलधन 5000 रुपए है, तो 100 यानी 100 के यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 5000, ये तो हमें दी हुई है, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 50। ठीक है, जब ये सीआई इसका और इससे डिफरेंस कितना का 21 का, 21 का तो है 100 प्लस 121 का, तो 21 का डिफरेंस है। जब ये एक यानी 100 यूनिट का वैल्यू हमें 5000 दी हुई है, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 50, तो एक यूनिट की वैल्यू 50 होगी, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इनटू 50 कर देंगे, तब हमारा चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई कितना निकल कर आएगा। ये तो पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज याद कीजिए 5, 0, 5, 2, 10 यानी 1050। ये तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त हुआ 1050 रुपए में क्या प्राप्त हुआ चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त हुआ। आज के लिए इतने बहुत है, आज ने मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना, इस टॉपिक को कंटिन्यू आगे स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और न्यू क्लास आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।